तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 दिन पहले भाई माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना क्लीनिंग सॉफ्टवेयर रिलीज करा था। मतलब यार हार्डवेयर लेवल पे तो हम रगड़ के एकदम यार साफ कर ही देते हैं, पीसी चमचमा देते, पर यार ऑन सॉफ्टवेयर लेवल भी तो कुछ होना चाहिए। वैसे तो यार क्लीनिंग सॉफ्टवेयर हमेशा से बेकार ही रहा है, या पीसी के उठा लो या फिर एंड्रॉइड के। इस बार तो भाई आपके सिस्टम में वो खुद ही घुस जाएगा, क्योंकि देखो यार एट द एंड माइक्रोसॉफ्ट वाले कोई टूल बना रहे हैं तो वो यार जरूरी उसको इनबिल्ट कर देंगे विंडोज के साथ फ्यूचर में। बाकी हाँ अभी राइट नाउ भाई ये अवेलेबल हो चुका है। 3-4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी भाई तब इसके कुछ लीक्स आए थे, क्योंकि चाइना में बेसिकली अवेलेबल हो गया था तो वहां से काफी इमेज आई थी। पर राइट नाउ भाई माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये सॉफ्टवेयर आ चुका है, आप चाहो तो राइट नाउ डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा जिस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, देखते हैं यार इसके अंदर क्या क्या है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पीसी भी क्लीन करेगा कि नहीं। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। बाकी यहाँ एक चीज तो क्लियर है बॉस, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एट द एंड यही बोलूंगा भाई, इसमें जितनी भी सेटिंग्स आपको मिल रही है ना, एक चीज तो यार वो समझ लो कि आपको यार विंडोज में इनबिल्ट में मिलती है, पर हाँ उन्हें ढूंढना एक टिपिकल प्रोसेस हो सकता है, उसके लिए इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत रैम उठाए ये सब चीजें, एक यार अपना कोने में पड़ा रहेगा, आपको जब मर्जी उससे यार बूस्ट कर लो पीसी। तो चलते हैं यार ऑन डेस्कटॉप, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों यहां पे यार पीसी भी तो आ चुके हैं, पर जैसा मैं बता रहा था भाई आप पे डिपेंड करता है, कल को भाई ये सॉफ्टवेयर यार प्रीलोडेड आएगा, आज आप ट्राई कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना भाई, आप सीधे क्रोम में पहुंचो, क्रोम में आप जैसे लिखोगे ना पीसी मैनेजर तो आपको टॉप पे ही वेबसाइट मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट है, क्योंकि यार माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही टूल है। यहां देख सकते हो कुछ कुछ चीजें इन्होंने हाईलाइट कर रखी, लाइक एंटीवायरस क्लीनअप, ठीक है यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसा मैंने बताया अभी यार ये सिर्फ चाइना के लिए, ये पार्टिकुलरली देखा जाए ना तो चाइना के लिए अवेलेबल था, तो बहुत कुछ आपको यार शायद आपको यार चाइनीज लैंग्वेज में देखने को दिख सकता है, तो डरने की बात नहीं है यार। इसके अलावा एक चीज और है, ये देख रहे हो ओपन बीटा, यस यार ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है, यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड जो है भाई आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल भाई सॉफ्टवेयर है क्या इतना बड़ा कुछ थोड़ी है। बाकी यहाँ कुछ फीचर्स हैं अगर मैं दिखाऊं तो, मेरे पीसी में देखो यार मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको इंस्टॉल कर लूंगा सिंपली और हेयर वी को, इंस्टॉलेशन में 3 से 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ मेरे पास यार अवेलेबल हो गया पीसी मैनेजर। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ ये देखिए सर यहाँ पे आ गया, पहली नजर आपकी जाएगी तो यस यार ये पब्लिक बीटा में अवेलेबल है। सेकेंडरी अगर सेटिंग में क्लिक करते हैं तो कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। नहीं सेटिंग में भाई एक सेटिंग है, इसके अंदर कुछ स्टार्टअप के साथ स्टार्ट वही सब फालतू चीजें, इसको हटाते हैं। अब देखो भाई यहाँ से मेन एप्लीकेशन ओपन होती है। सबसे पहले तो अगर आपके पीसी में जितनी भी फाइल्स बनती है कवाड़े सवाड़े वाली वो सारी यहाँ दिखा रहा है, लाइक मैं यार क्लीन करता रहता हूँ आपको बताता हूँ, तो बिल्कुल हम भी क्लीन करते हैं भाई सब, तो देख सकते हो 0 KB के आसपास दिखा रहा है। बाकी यहाँ ये बूस्ट दबाते ही मेरे हिसाब से ये खुद ही क्लीन कर देगा, साथ ही साथ देख रहे हो मेमोरी यूजेस भी समय की बता रहा है, और अगर मैं बूस्ट पे क्लिक करता हूं तो अभी लिख रहा है कि आपका पीसी जो है बढ़िया से चल रहा है, क्योंकि भाई अभी बूस्ट करा है। बूस्ट से करेगा क्या, मुझे जितना लगता है भाई जितनी भी यार बेकार चीजों में जा रही है ना रैम वैम उनको मैनेज कर देगा और टेम्परेरी फाइल्स इन सबको हटा देगा। थोड़ा आगे चलते हैं तो सबसे पहले यार हमारे पास आता है हेल्थ चेक, यहाँ पे आप बेसिकली वायरस और ये सब चीजें डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है अपनी जगह पे बेस्ट है, इससे आप पता कर सकते हो कौन सी चीजें कहाँ से क्या उठा रही है। तो हाँ एक वायरस प्रोटेक्शन के तौर पर लिटिल बिट यार इतना भी खासा नहीं है, पर हाँ ठीक है चलो काम चलाने के लिए। सेकेंडरी आ जाता है भाई स्टोरेज मैनेजमेंट, इसके अंदर आ जाता है भाई सारे आपके जो आपके क्लीनिंग के एक्शन है। आप देखो यार इसमें जितनी भी चीजें ना सी ड्राइव की दिखा रहा है लास्ट, और यहाँ मैं डीप क्लीन में जाऊंगा तो यहाँ पे सब कुछ क्लीनिंग रिलेटेड चीजें आने लग जाएगी। मैनेज लार्ज फाइल्स आ गई, ओ भाई बहुत कुछ इन्होंने यार इसके अंदर दे रखा है। एप्स मैनेज कर लो यार, स्टोरेज सेंस ये हमने पहले भी बात कर रखी है, तो ऐसे बहुत सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी इसके अंदर पार्टिकुलरली। थोड़ा सा आगे जाओगे तो भाई प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी टास्क को एंड कर सकते हो, सिमिलर लाइक यार टास्क मैनेजर, तो उसकी एक सेटिंग चुरा के यहाँ डाल दिया मुझे लग रहा है, सिर्फ हमें यार एंड पे क्लिक करना और वो टास्क हमारा है देखो यहाँ से एकदम गायब सा हो जाएगा, ठीक है अपनी जगह पे। और लास्ट हमने यार यहाँ पे देखा स्टार्टअप एप्स को भी यार यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे ऐड होनी हुई है। सिक्योरिटी में जाओगे तो कुछ सिक्योरिटी की चीजें पता चलेगी, साथ ही साथ भाई अपडेट से रिलेटेड भी चीजें यहाँ दिख रही है, और स्कैन कर सकते हो अगर आप यार डीप स्कैन चाहते हो, ये सब स्कैन थे ना तो उस तरीके की स्कैन आप डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। देखो एप्लीकेशन अपने हिसाब से मैं बताऊँ तो मुझे काफी पसंद आया, इंटरफेस तो चलो बहुत ही कूल है, और साथ ही साथ भाई चीजें भी इन्होंने सब इंपॉर्टेंट ही दी है। पर हाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हो ना ये सारी इनबिल्ट आपको मिलती है, बस यही है कि सब अलग अलग जगह पे है, एक मैनेज अच्छा रहेगा और एक जगह पे मिल जाएगा अवेलेबल, तो उस तरीके से सोचो तो बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा यार ये सॉफ्टवेयर मुझे यार कमेंट में बताओ। बाकी हाँ इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे कि नहीं वो भी बताना। बाकी मैं यार पीसी क्लीनिंग सॉफ्टवेयर अपना बताऊं तो बहुत कम यूज़ करें, और कभी कदार यार कुछ कुछ हैं, जैसे मैंने एक बार यार रेजर कॉर्टेक्स यूज़ करा था आपको याद होगा, उस पर भी आई बटन पर वीडियो देखो बहुत पुराना, पर यार नॉर्मली एज अ रोज रोज का नहीं काम है, पर हाँ अगर इनबिल्ट आ जाएगा तो फिर तो यूज़ कर लिया करेंगे। बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बिल्कुल, यार नया कलर आ रहा है तो बिल्कुल उसको दबा के खत्म करो आज ही, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।